हेलो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन बाकी बच्चे किधर भूमिका पात गुड इवनिंग एवरीवन बेटा एक बार ग्रुप में इन्फॉर्म कर दो अपने दैट वी आर लाइव ओके कर दिया आप लोगों ने वेरी गुड वेरी गुड चलो यार तो चलो लेट स्टार्ट स्टार्ट कर दे भाई अब तक हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार क्विकली यार संडे आ गया था बीच में सब भूल जाते हो है ना पूरी कनेक्टिविटी चल जाती है छूट जाती है यार अपनी इकोनॉमिक्स की बोलो मैडम जरा रिवाइज करा दो बोलो चल यार आप नहीं भी बोलोगे तो भी मैंने आपको रिवाइज करवाना ही है ठीक है कहाँ थे आई I मीन mean, ये चैप्टर नंबर वन जब हम लोग ये चैप्टर नंबर वन स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने एक्चुअली पढ़ा क्या अभी तक क्या क्या चीज़ें पढ़ी है एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लिया था माइक्रो इकोनॉमिक्स भाई माइक्रो क्या होता है माइक्रो क्या होता है ये दो चीज़ें पढ़ ली ठीक है माइक्रो में हमने क्या देखा था अरे छोटा इकोनॉमिक्स है माइक्रो में बोला भाई तू बड़ा बड़ा इकोनॉमिक्स एकदम बड़े बड़े लेवल की बातें करेगा अपना माइक्रो एकदम जैसे घर का छोटा भाई छोटी बहन है ना माइक्रो लेवल एकदम छोटा लेवल वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ओके okay. और क्या पढ़ा हमने और क्या पढ़ा गई हमने हाँ हाँ बिल्कुल पर्टिकुलर बोल दो, दो इंडिविजुअल है। है इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड है मतलब यहाँ पे ना बहुत छोटी थोड़ी बहुत कुछ गिनी चुनी चीजें हैं वही पढ़नी है हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें सिर्फ गिनी चुनी चीजें ही पढ़नी है कोई बहुत ज्यादा आपको डिटेल्ड स्टडी नहीं करनी है माइक्रो लेवल पे ओके okay. मैक्रो में पूरे इंडिया लेवल पे पूरे कंट्री लेवल पे पूरे नेशनल लेवल की बातें करनी है ठीक है जो मैक्रो लेवल की पॉलिसी तो की अरे याद करना लास्ट लेक्चर वहाँ पे मैंने आप सभी बच्चों को दो एग्जाम्पल दिए थे कुछ आ, इनकी पॉलिसी जो फिजकल पॉलिसीज होती है मैक्रो लेवल पे ठीक है और जो आर की पॉलिसीज होती है इंटरेस्ट रेट की अरे फिजकल पॉलिसी मतलब टैक्सेस वाली पॉलिसी वो पूरे ओवरऑल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती है ना मैक्रो लेवल की पॉलिसी थे वो पूरे इंडियन इकनॉमी एज एन होल को इम्पैक्ट करती है फिर अगर मान लो अगर आर ने ठीक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ठीक है बैंकों की बैंक है वो सबसे हेड बैंक है ये मैं आपको इसके आगे का एकदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ठीक है कुछ नेक्स्ट चैप्टर्स है हमारा चैप्टर नंबर एट नाइन उसमें आएगा आपका बैंक्स के बारे में ओके अभी के लिए सिर्फ इतना समझो हेड ऑफ द बैंक कौन है सारी बैंकों की हेड कौन बैठी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन बैठा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी पॉलिसी निकालती है वो पूरे इंडिया लेवल को इम्पैक्ट करती है समझ में आ रहा है पूरे इकोनॉमी एस एंड होल को इम्पैक्ट करती है जैसे मान लो उन्होंने इंटरेस्ट रेट में कुछ चेंजेस कर दिए तो अब कोई पुणे का बंदा इंटरेस्ट लोन लेने जा रहा है बैंक में उसको भी वही इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा लोन ठीक है मान लो दस इंटरेस्ट रेट कर दिया तो अब सबको पूरे इंडिया में ठीक है पूरे नेशन लेवल पे पूरे नेशनल लेवल पे वही इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होगा तो अगेन मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पूरे इकोनॉमी में इंपैक्ट करती है और वहां पे जो हमारा छोटा लेवल होता है माइक्रो लेवल होता है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ कुछ एक इंडिविजुअल सेक्टर्स में इंपैक्ट करता है ठीक है ये पार्ट क्लियर हुआ यस yes, एवरी ये तो बहुत ईजी था पार्ट था इतना ही अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे ये याद आ रहा है

ये देखा था कि भाई फैक्टर्स की भी प्राइसेस निकाली जाती है तो फैक्टर्स देखो चार फैक्टर्स होते हैं और ये इस तरह से उनकी प्राइसेस निकालते हैं अरे याद आ रहा है या नहीं या इसे भी बताओ वापस से बोलो बताना है वापस से या फिर याद आ रहा है कंसेप्ट ये तेलमी गाइज याद आ रहा है पढ़ा पढ़ा सुना सुना कुछ लग रहा है सुना सुना लग रहा है ओके

प्राइस थ्योरी मतलब प्राइस थ्योरी कैसे निकाली जाती है पता है कोई भी प्रोडक्ट की प्राइसेस किस पे डिपेंड होती है या तो वो अब ये वाला कलर देखो ठीक है या तो वो डिमांड पे डिमांड डिमांड पे बेसोगी या और सप्लाई पे बेस दोगी मतलब जिस प्राइस पे आप गुड्स की डिमांड कर रहे हो आप मतलब कंज्यूमर कौन डिमांड करता है गुड्स कंज्यूमर डिमांड करते हैं सप्लाई कौन करेगा प्रोड्यूसर सप्लाई करेंगे जिस प्राइस पे ये जो कंज्यूमर बैठा है ना ये डिमांड कर रहा है गुड्स को ठीक है क्या बेचे थे हम लोग ये प्रोड्यूसर क्या बना रहे हैं मोबाइल फोन बना रहे हैं लास्ट टाइम मैंने मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल लिया था तो पंद्रह हज़ार का मोबाइल फ़ोन वो डिमांड करता है बारह हज़ार पे और जब प्रोड्यूसर है जो सप्लायर है वो भी उसी प्राइस पे देने के लिए रेडी हो जाता है तो वो क्या हो जाती है प्राइस क्या हो जाती है यहाँ पे फिक्स हो जाती है मतलब इट इज़ बेस्ड जो प्राइस थ्योरी है इट इज बेस्ड अपॉन द बेस इट इज बेस्ड ऑन क्या इट इज बेस्ड ऑन डिमांड एनालिसिस एज वेल एज सप्लाई एनालिसिस मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द कंज्यूमर बिहेवियर वेल एज प्रोड्यूसर बिहेवियर अरे जिस प्राइस पे तुम डिमांड कर रहे हो जिस उसी प्राइस पे अगर कंज्यूमर बेचने के लिए प्रोड्यूसर बेचने के लिए तैयार हो जाता है कंज्यूमर डिमांड कर रहा है बारह हजार में मेरे को मोबाइल फोन दे दो ठीक है प्रोड्यूसर बोलता है कि चल जा ठीक है लॉकडाउन का टाइम है जो आए वही सही है ये लो दे दिया उन्होंने उसने आपको मोबाइल फ़ोन दे दिया प्राइस क्या हो गई फ़िक्स हो गई गाइस बारह हज़ार रुपये प्राइस फिक्स हो गई इट इज़ फिक्स ऑन द बेसिस ऑफ़ डिमांड एंड सप्लाई डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस मतलब कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रोड्यूसर बिहेवियर अरे पक्का वाला हुआ ये वाला पार्ट समझ में आया हूँ और कुछ भी नहीं है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है हाँ अब अगर आप ये बोलोगे तो कंज्यूमर से कंज्यूमर क्या सोचेगा कहीं कि भाई मेरे को कैसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले जब प्राइसेस कम होगी तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा अरे पंद्रह हज़ार का मोबाइल फ़ोन जब वो बारह हज़ार में खरीद के लाएगा तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा हाँ मेरे को डिस्काउंट में मिला नाउ आई एम सेटिस्फाइड मेरे दो पैसे बच गए प्रोड्यूसर का भी सेटिसफाइड होगा जब वो मैक्सिमम प्रॉफ़िट कमाएगा इन दोनों की खींचा में लटक जाती है बीच में प्राइस समझ में आ रहा है प्राइस थ्योरी येस एवरी वन ऑफ यू बता देना बेटा मेरे को प्राइस थे समझा सभी को प्राइसेस कैसे डिसाइड होती है एक शॉर्ट में कंज्यूमर क्या सोचता है मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए कभी मिलेगा जब डिस्काउंटेड रेट मिलेगा बारह हज़ार पंद्रह हज़ार की चीज़ बारह हज़ार में मिलेगी ठीक है तब वो मैक्सिमम सेटिस्फाइड होगा ओके प्रोड्यूसर बोलेगा एक तरफ से यार मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं बेचूँ ये बारह में मांग रहा है कैसे बढ़ाऊँ मैं प्राइस समझो प्रोड्यूसर के एंगल से सोचो प्रोड्यूसर को कब प्रॉफिट होगा जब वो पंद्रह हजार की चीज को सोलह में बेचे सत्रह में बेचे तब उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा इन दोनों के बीच में बार्गेन में लटक जाती है प्राइस इन दोनों के बीच में लटकती है प्राइस समझ में आया एवरी वन ऑफ यू पक्का से ये बेटा एवरी वन बोलो जल्दी जल्दी से डन पक्का वाला ओके बड़े आगे अच्छा प्राइसेस के साथ साथ इनकम थ्योरी बोलते हो ठीक है प्राइस थ्योरी बोलते हो लेकिन फैक्टर्स की भी प्राइस निकालना हम लोग यहीं पे सीखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही सीखते हैं बार बार आ रहा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैडम प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर्स 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 अरे क्या होते हैं फैक्टर्स तो हमेशा ध्यान रखना देर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं कोई भी गुड्स बनाना है ये मोबाइल फोन बनाना है सबसे पहले हमें एक लैंड लगेगा ज़मीन लगेगा वो जमीन पे काम कर या कोई फैक्ट्री वो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स लगेंगे वो फैक्ट्री में पैसा डालना पड़ेगा पैसा लगाना पड़ेगा ये सो नो और हमें कोई एक एंटरप्रेन्योर चाहिए कोई एक ऐसा बंदा चाहिए कोई ओनर चाहिए कोई मैनेजर चाहिए जो वो पूरी कंपनी को मैनेज कर पाए ये सो नो तो देर आर ओनली फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कोई भी गुड्स बनाना है मोटे मोटे पे आ, एक ब्रॉडर लेवल पे आपको इससे सिखाया था लकी बोलना लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रीनियर मैडम सी है ना सी से कैपिटल आपने के क्यों लिखा बेटा ये चीज हमेशा ध्यान रखना इकोनॉमिक्स में अगर कोई आप यू नो मतलब

क्या फ्री में आपको कोई जमीन दे देगा ले ले जा मेरी जमीन इसमें तेरा प्रोडक्शन कर ले उनको रेंट देना पड़ेगा क्या देना पड़ेगा ये लैंड के बदले में क्या देना पड़ेगा ये जमीन ली है सामने वाले से क्या देना है रेंट ओके हर एक जमीन का रेंट अलग अलग होगा क्या बोलो हर एक जमीन का रेंट अलग अलग होगा या सेम रहेगा दुनिया में हर एक ज़मीन कोई भी लैंड ले लो कोई भी प्लॉट ऑफ लैंड ले लो क्या हर एक ज़मीन का रेंट एक ही रहेगा यस सर नो बोलो बोलो नहीं रहेगा ऑब्वियसली मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम एक फैक्ट्री की स्टडी कर रहे हैं तो उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक पेन एक कमोडिटी स्टडी कर रहे हैं तो उस पेन का पेन का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब अरे मोबाइल फोन वाली कंपनी है तो उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अलग होंगे समझ पा रहे हो ठीक है कोई कंप्यूटर बनाने वाला मशीन है ठीक है कोई इंडस्ट्री है तो उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग होंगे उनका रेंट अलग रहेगा उनकी जो ज़मीन है उसका रेंट अलग रहेगा लेबर्स है उनके वेजेस अलग अलग होंगे जो टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्रीज है वहाँ के जो लेबर्स होंगे वो स्किल्ड लेबर्स होंगे वो पढ़े लिखे लेबर्स होंगे वो एजुकेटेड लेबर्स रहेंगे गाइज एजुकेटेड पढ़े लिखे रहेंगे वो अनपढ़ नहीं रहेंगे समझ में आ रहा अच्छा पढ़े लिखे रहेंगे तो ऑब्वियसली उनको सैलरी वेजेस ज़्यादा रहेगा पंद्रह हज़ार के नीचे वो काम नहीं करेंगे समझ पा रहे हो ओके okay. मतलब बात को समझो जो मैं आपको आज पॉइंट बता रही हूँ कि हर एक लैंड का रेंट अलग अलग होगा हर एक लेबर का वेजेज अलग अलग होगा हर एक कैपिटल का इंटरेस्ट अलग अलग होगा हर एक एंटरप्रीनियर का प्रॉफिट भी अलग अलग होगा अरे पेन बनाने वाली कंपनी का प्रॉफिट अलग है मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी का प्रॉफिट अलग है यस सर नो में आया मैट समझा क्या कंसेप्ट समझा तो अभी मैं शॉर्ट में बोल देती हूँ इसको लकी के लिए लकी के लिए रवीप तो ये जो रवीप की प्राइसेस निकालना है ना रवीप की प्राइसेस फैक्टर्स ये फैक्टर्स है दी फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रीनियर इनकी इनके फैक्टर्स की प्राइस निकालना मतलब लैंड की प्राइस मतलब अरे ज़मीन लो क्या प्राइस दोगे रेंट दोगे लेबर्स रखो अपने घर में क्या दोगे उनको वेजेस दोगे कैपिटल लाओ अरे आपके पास नहीं है अग्रीड नहीं है पैसा धंधा करने के लिए बैंक से लोन लो क्या देना पड़ेगा क्या प्राइस चुकानी पड़ेगी इंटरेस्ट इंटरेस्ट देना पड़ेगा एंटरप्रीनियर कोई एक ओना मैनेजर रखो क्या देना पड़ेगा अरे भाई प्रॉफिट समझ में आ रहा है तो दीज आर ये रविप जो है ना यही है फैक्टर्स प्राइसिंग यही क्या है ये है फैक्टर्स प्राइसिंग यस सर नो याद आया पूरा लेक्चर समझ में आया पक्का से हाँ हाँ अभी नहीं अभी आपके इलेवन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में आपको कोई भी थ्योरीज वगैरह ये जो पी पी सी कर् ये सब इतने सब आपके ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में नहीं है बट ऑब्वियसली जब आप बी बी ए वगैरह में जाओगे आप बी कॉम में जाओगे आप एम कॉम में जाओगे तो वहाँ पे कैपिटल को के से डिनोट करते हैं ठीक है ओके okay. समझाए ये पार्ट ओके okay. ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग अरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये ये टर्म्स यूज होते हैं प्राइस थ्योरी बोलते हैं फैक्टर्स थ्योरी बोलते हैं ठीक है थीके? वो वो हम जो जो पढ़ रहे हैं ना हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं अभी इन शॉर्ट ठीक है ओके चलो आ जाओ और क्या बताया था आपकी मैडम ने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाने के टाइम पे क्या आपकी मैडम ने आपको ऐसा कुछ बताया था क्या क्या ऐसा सुना सुना याद आ रहा है क्या कि जो अनलिमिटेड वॉन्ट्स है अनलिमिटेड वॉन्ट्स है उसको वॉन्ड जो है अनलिमिटेड है और जो रिसोर्सेज है हमारे वो लिमिटेड है ऐसा याद आ रहा है क्या कुछ ये बताया था कि आपकी मैडम ने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में अनलिमिटेड वॉन्ट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे सैटिस्फाई करना है अपनी अनलिमिटेड वॉन्ट्स को अब एग्जाम्पल याद दिलाती हूँ आपको आपकी इच्छाएं थी कितनी सारी घूमने जाना है मैडम डिनर के लिए जाना है मैडम शॉपिंग करनी है मोबाइल चाहिए गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है वगैरह 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 लेकिन आपको दो सिर्फ और सिर्फ आपके डैडी ने कितने रुपए दिए दो हज़ार वो भी जुगाड़ मार के ठीक है थोड़ा डैडी थोड़ा मम्मा थोड़ा दादाजी थोड़ा बड़ा भाई उसकी तरफ देखा तो वो बोलता है, ला दे दे इतना तो मेरे को नहीं मिलता चुपचाप अपन खाली जेब में डाल के निकल गए वहाँ से है ना अदरवाइज वो ले लेता था, था बड़ा भाई तो ये क्या है अनलिमिटेड वॉन्ट्स को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे सेटिस्फाई करना है? ये भी आपकी मैम ने बताया था आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में बताया येसा yes नो no? अरे याद आ रहा है क्या कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था ना बेटा पढ़ाया था यस yes. ओके okay. तो चलो इसी पॉइंट को थोड़ा और डिटेल डिस्कशन कर लें थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं यार ये पॉइंट अनलिमिटेड वॉन्ट्स आपकी उसको सिर्फ दो हज़ार रुपये से सैटिस्फाई करना है क्या करना पड़ा चॉइसेस वगैरह लेनी पड़ी स्कैर है बट मुझे एक बात बताओ आपने जो भी टिक किए थे जो भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट किए थे ठीक है शॉपिंग सेलेक्ट किया घूमने जाना सेलेक्ट किया लंच लिया डिनर कैंसिल कर दिया था जो भी कुछ आपने सेक्रीफाइस किए थे वो रिसोर्सेज आपने कैसे यूटिलाइज किए क्या उसे आप सेटिस्फाइड हुए क्या क्या उसे आप सेटिस्फाइड हुए थे क्या यस मैडम सेटिस्फाइड हुए ऑप्टिमम सेटिस्फाइड हुए क्या क्या बोल रहे हो आप अरे ऑप्टिमम मतलब होता है मैक्सिमम. ऑप्टिमम मतलब क्या होता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हुआ क्या अरे भाई तुमको दो हजार रुपये मिले ना यूज किया ना खर्चे किए ना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हुआ क्या आपका हुआ <laughs> नहीं हुआ <laughs> क्यों दो हजार रुपये में जितना कुछ कर सकते थे उतना खर्चा करके मैक्सिमम सेटिस्फाइड नहीं हुए थे ऑब्वियसली <laughs> आपने वो दो हजार रुपये वही चीजों में खर्चा किए थे जिससे आप मैक्सिमम सेटिस्फाइड हुए थे आपने वो रिसोर्सेस का आप अगर आपसे पूछा जाए क्या यूज किया घर में आए आप ठीक है खर्चे वर्चे करके घूम घाम के आपके घर वाले डैडी पूछते हैं क्या किया दो हजार रुपए का खूब मजे किए खूब मजे किए लोनावला गए ट्रिप गए फ्रेंड्स के साथ मस्ती किया ये क्या खूब मजे किए मतलब आप मैक्सिमम सेटिस्फाइड हुए मतलब आपने जो रिसोर्सेज है ध्यान से सुनना मतलब आपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस किया रिसोर्स बोला तो दो हजार रुपये का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया और खूब मजे किए खूब मज़ा किया है ना ये yes, समझ में आ रहा है ऑब्वियसली अदरवाइज आप खर्चे ही नहीं करते थे अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता था तो दस रुपये भी खर्चा नहीं करता कोई इंसान अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता तो ये सर नो कन्विंस हो रहे हो फैक्ट है कन्विंस क्या होना है फैक्ट है रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है समझ पा रहे हो ओके okay. तो मुझे भी एक बात बताना है यार ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अपनी सोसाइटी में कितने लोग हैं अब हम लोग पूरे हमारे इंडिया लेवल की बात करें तो अपने जो रिसोर्सेज है ठीक है कहीं पे भी रिसोर्सेज क्या है लिमिटेड है हमारी जो वांट्स क्या है वो अनलिमिटेड है तो ये जो रिसोर्सेज है इसको प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर्स भी बहुत अच्छी तरह से सेटिसफाई करेंगे मतलब बहुत अच्छी तरह से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना चाहिए और कौन रहता है हमारी इकनॉमी में कंज्यूमर्स हैं वो लोग भी अच्छी तरह से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना चाहिए फेंकना नहीं चाहिए वेस्टेज नहीं होना चाहिए रिसोर्सेज का ये yes, सर नो no, समझ पा रहे हो रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होने चाहिए प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए और तो और हमारी इकोनॉमी में रहती है पूरी सोसाइटी ले लो यार अगर पूरी इंडस्ट्री पूरी फॉर्म एक ब्रॉडर लेवल की बात करना है मेरे को तो मैं सोसाइटी एक ब्रॉडर टर्म ले लेती हूँ यहाँ पे आके सब आ गए कंपनीज आ गए इंडस्ट्रीज आ गई फर्म्स आ गई सब सब सोसाइटी ले लिया मैंने पूरा है ना तो अब मुझे एक बात बताना यार ये प्रोड्यूसर्स कैसे रिसोर्सेस सेटिस्फाई करेंगे तीन ही लोग रहते हैं प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर या सोसाइटी एज एन होल ले लिया आपने ओवरऑल सोसाइटी एज एन होल ले लिया ठीक है कुछ छूट गए होंगे तो वो इसके अंदर आ ही जाएंगे प्रोड्यूसर्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करेगा रिसोर्सेस का कैसे करेगा बोलो थोड़ा सा सोचो रट्टा मारना है क्या रट्टा मारना है क्या तो मत सोचो रट्टा नहीं मारना है तो सोचो थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालो रट्टा नहीं मारना मारने लगाऊंगी आपको कैसे ऑब्वियसली प्रोड्यूसर के पास भी रिसोर्सेस कम है कंज्यूमर के पास में भी कम है सोसाइटी के पास में भी कम है पूरे इंडिया लेवल में कम है लेकिन प्रोड्यूसर कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेगा रिसोर्सेस का ऑल्टरनेटिव से प्रॉपर यूज से हाँ वेरी गुड रीसाइकिल करके ओके प्रॉपर यूज़ करके करेगा है ना अहद बोल रहा है कि मैडम प्रॉपर यूज़ करेगा तो मैं ऐसा बोल दूँ जितना उसके पास रिसोर्सेज है मान लो उसके पास रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है रिसोर्सेज कौन से हैं लिमिटेड है ये लो लिमिटेड लिमिटेड रिसोर्सेज है था. जितने रिसोर्सेज है उससे ये प्रोड्यूसर क्या करेगा मैक्सिमम गुड्स का प्रोडक्शन करेगा जितना बना सकता है वो उतना बनाने की कोशिश करेगा मैक्सिमम प्रोडक्शन करेगा गई हंड्रेड परसेंट ध्यान इधर होना चाहिए इधर उधर नहीं देखना कंसेप्ट नहीं समझेगा ठीक है रट्टा मारना पड़ेगा इकनॉमिक अगर इधर उधर ध्यान गया तो ठीक है चलो रिसोर्सेज लिमिटेड है जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उससे वो मैक्सिमम प्रोडक्शन करेगा जितना गुड्स बना सकता अरे प्रोड्यूसर का काम क्या होता है गुड्स का प्रोडक्शन करना तो ये मैक्सिमम प्रोडक्शन करेगा यस और नो समझ में आ रहा है प्रोड्यूसर जितने गुड्स उसके पास है जितना रुपया उसके पास है जितना रॉ मटेरियल उसके पास है जो भी कुछ रिसोर्सेज रिसोर्सेज तो बहुत सारे टाइप के होते हैं याद है यादे आपको याद है मैंने फर्स्ट लेक्चर कुछ बेसिक लेक्चर में आपको रिसोर्सेज पूरा डिफाइन किया है कि क्या होता है एग्जैक्टली exactly रिसोर्सेज है ना तो वो अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम प्रोडक्शन करेगा गिवन रिसोर्सेज से मैक्सिमम गुड्स का प्रोडक्शन करेगा प्रोड्यूसर है ना प्रोडक्शन ही करेगा कोई कंज्यूम थोड़ी ना करेगा समझ रहे हो येस yes? पक्का वाला ओके कंज्यूमर क्या करेगा यार कंज्यूमर कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेगा बताना ज़रा ये कंज्यूमर बैठा ये कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अरे ये जो है ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर किसी को ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है मैक्सिमम यूटिलाइज करना है जो भी रिसोर्स है तुम्हारे पास दो हजार थे तुमने दो हज़ार का मैक्सिमम यूटिलाइज़ किया खूब मजे किए दो हज़ार थे तुम मैक्सिमम सेटिस्फाइड हुए कंज्यूमर क्या करेगा कंज्यूमर भी बोलो 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 मैम वो गुड्स का क्या करता है कंजम्पशन करता है ओके okay. जो माइंड में आ रहा है वो बोलो यार जो माइंड में आ रहा है वो बोलो ज़्यादा कम प्राइस में गुड्स लेके मोर कंजम्पशन वेरी गुड वेरी गुड कम प्राइस में गुड्स लेके कम प्राइस में गुड्स चाहिए कहाँ से आएंगे गुड्स ये लोग ने जो प्रोडक्शन किया है वो यहीं से गुड्स आएंगे अरे ये प्रोड्यूसर ने गुड्स का प्रोडक्शन किया ये यहीं से गुड्स आएंगे मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि जो मेरे कंज्यूमर्स है वो मैक्सिमम सेटिसफाइड होंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा देखो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कंज्यूमर क्या करेगा फाइनली आके वो गुड्स का कंजम्पशन करेगा और वो वही हिसाब से करेगा कि वो मैक्सिमम सेटिस्फाइड होगा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अच्छा अब बच्चे इसका एक एग्जाम्पल लो अभी ना एक पे एक फ्री आजाद के प्रोडक्ट मिल रहा है मम्मा आजाद के प्रोडक्ट मिल रहा है इट्स अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से पता होगा वो एक उपटन का फेस वॉश आता है जो उनका बहुत फेमस है है ना हेयर ओनियन हेयर ऑयल होता है ओनियन हेयर ऑयल अगर आप लोग कोरिलेट कर पा रहे होंगे तो तो ऑब्वियसली आप वही गुड्स का कंजम्पशन करोगे जिससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा आजकल कोई फेयर एंड लवली वगैरह नहीं लगाता बोरो प्लस जैसा चिकट नहीं लगाता समझ पा रहे हो क्या वही गुड्स पे खर्चा करोगे जिससे तुम मैक्सिमम सेटिस्फाइड होगे यस और नो समझा कंसेप्ट समझा एकदम तोड़ बोलो बोलो समझ में आ रहा है यस एनी डाउट पक्का से ओके बस कुछ जो मैं पॉइंट लिख रही हूँ ना बस वही आपके काम का है ठीक है ये सब हम लोग बना रहे हैं हम रट्टा नहीं मारेंगे सोसाइटी क्या करेगी यार सोसाइटी कैसे कंजम्पशन करेगी सोसाइटी सोसाइटी में रहते हैं लोग चलो यार थोड़ा सा सोचते हैं ये सोसाइटी का भी बारे में सोच ये सोसाइटी में ना बहुत सारे लोग हैं इधर कंपनीज भी है इधर इंडस्ट्रीज भी है <coughs> ये रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे सोचो थोड़ा बोलो आप ही को बोलना है ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे ध्यान रखना ये सोसाइटी के वाले लोग क्या करेंगे ये लोग ना गुड्स की ना डिमांड करेंगे क्या करेंगे गुड्स की डिमांड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे और सोसाइटी जिस हिसाब से वो गुड्स और सर्विस जो सोसाइटी जो गुड्स डिमांड कर रही है कि हमको ऊपटन का फेस वॉश दो तो वही गुड्स एंड सर्विस वही प्रोडक्शन वही गुड्स को हम लोग क्या करेंगे मैक्सिमम प्रोड्यूस करेंगे अरे सोसाइटी के हिसाब से क्यूमुलेटिव जो डिमांड आती है उसी हिसाब से तो तुम गुड्स का प्रोडक्शन करोगे गुड्स का प्रोडक्शन होगा किसके बेसिस पे सोसाइटी की डिमांड के हिसाब से ही समझ पा रहे हो देखो वापस से आ जाओ जितना समझा समझा नहीं समझा नहीं समझा वापस आओ क्यूमुलेटिव ले आओ ठीक है एकदम वापस से बता रही हूँ दो लाइन की चीजें हैं इतना ज्यादा टाइम लगता ही नहीं है इस कंसेप्ट को ऑप्टिमम आपके पास में जो रिसोर्सेज है क्या बोल रहा है वो आपके पास में जो भी रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा तो जो प्रोड्यूसर्स है ना वो वही गुड्स का वो क्या करेंगे बोलो जो भी रिसोर्सेज उसके पास में है वो एक तो ये चाहेगा कि उसको ना मैक्सिमम प्रॉफिट हो ठीक है जी इतना उसके पास मान लो उसके पास में दस हजार रुपए दस हज़ार ही रुपए गुड्स वो, वो का प्रोडक्शन कर रहा तो वो दस हजार रुपए में से चाहेगा कि वो मैक्सिमम गुड्स बना पाए मैक्सिमम प्रोडक्शन करे गुड्स का प्रोडक्शन हो गया गाइज गुड्स का प्रोडक्शन हो गया ये गुड्स को जगह जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करना जगह जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करना ये कंज्यूमर तक गुड्स को पहुँचाना ताकि ये जो कंज्यूमर्स है ये लोग गुड्स का कंजम्पशन करें और मैक्सिमम सेटिसफाइड हो ठीक है मैक्सिमम सेटिसफाइड हो और ये सोसाइटी के बेसिस पे हमें क्या आती है हमें सोसाइटी के बेसिस पे डिमांड आती है और हम लोग वही गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं जो सोसाइटी मैक्सिमम डिमांड कर रही है विच इज़ मोस्ट डिजायरेबल बाय द सोसाइटी हम लोग वही गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं जो कि सोसाइटी बहुत ज़्यादा डिमांड करती है अरे अभी वैक्सीन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि सोसाइटी की डिमांड है वैक्सीन्स समझ पा रहे हो उप्तन वही गुड्स की डिमांड कर रहे हो तो वही गुड्स के ज्यादा प्रोडक्शन होंगे समझ रहे हो यस yes. तो ये जो चीजें थी ये जो भी कुछ देखो अभी नाउ लेट मी कंक्लूड अभी तक आपकी मैडम ने आपको क्या क्या पढ़ाया चलो आ जाना बेटा इधर चलो हंड्रेड परसेंट फोकस यहाँ देंगे हंड्रेड परसेंट अटेंशन देखो दिस इज नथिंग बट योर स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप यही चीज़ें पढ़ोगे क्या क्या पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक पढ़ेंगे प्रोडक्ट की प्राइस निकालना कैसे निकलती है डिमांड एनालिसिस और सप्लाई अनालिसिस के बेसिस पे डिमांड अनालिसिस कैसे होता है डिमांड 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 किसके बेसिस पे होगा ये रहा डिमांड एनालिसिस माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद डिमांड एनालिसिस पता है हमको डिमांड एनालिसिस पता है हमको सप्लाई एनालिसिस डिमांड कैसे होगा विद इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर हाईलाइट करके दिया नोट्स में ठीक है आपको एक परसेंट भी मेहनत करने की जरूरत नहीं सिर्फ आपको मेमोराइज करना है डिमांड किसके बेसिस पे होगा कौन डिमांड करेगा कंज्यूमर्स डिमांड करेंगे तो कंज्यूमर का बिहेवियर यहाँ पे ऑब्जर्व करो यहाँ पे सप्लाई कौन करेगा कौन सप्लाई करेगा प्रोड्यूसर यहाँ पे गुड सप्लाई करेगा मोबाइल फोन प्रोड्यूसर बेचेगा ठीक है वो बारह हज़ार में बेचेगा तो प्रोड्यूसर्स बिहेवियर यहाँ पे ऑब्जर्व करो ये हो जाता है आपका थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में आप लोग क्या करोगे यहाँ पे आप ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लोगे जो कंट्रीब्यूट करेगा प्रोडक्शन प्रोसेस में मतलब लैंड मतलब लेबर मतलब कैपिटल मतलब एंटरप्रीन्यर इन द फॉर्म ऑफ रवीप रेंट वेजिद इंटरेस्ट प्रॉफिट रेंट वेजिथ इंटरेस्ट प्रॉफिट ऑल राइट ये हो जाएंगे आपके थ्योरी ऑफ आप फैक्टर प्राइसिंग और लास्ट है आपका थ्योरी ऑफ आप इकोनॉमिक वेलफेयर उसी तरह से रिसोर्सेज का अलोकेशन करो ताकि जो रिसोर्सेज है उससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो रिसोर्सेज दो हजार रुपए से दो हज़ार रुपये का आपने वैसे ही यूज़ किया कि आप मैक्सिमम सेटिस्फाइड हुए ठीक है एंड लास्ट वन प्रोड्यूसर क्या करेगा एफिशिएंसी रहेगा उसका प्रोडक्शन में जितना भी गुड्स उसके पास अवेलेबल है गिवन रिसोर्सेज है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन करेगा कंज्यूमर क्या करेगा एफिशिएंसी जब उसकी एफिशिएंसी होगी कंजम्पशन की ठीक है मतलब मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स अरे जो भी गुड्स बन गए हैं उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करो इकोनॉमी में ताकि जो कंज्यूमर है वो मैक्सिमम कंजम्पशन करे और ताकि वो टोटल सेटिस्फैक्शन हो जाए उसका सोसाइटी में एंड लास्ट वन इज योर ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी मतलब हम लोग वही गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे विच इज़ मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल एंड दस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर इट डील्स विद द अफिशियंसी ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब इकोनॉमिक अफिशियंसी कब होगी जब जो रिसोर्सेज है गिवन रिसोर्सेज है उससे आप मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो मैक्सिम अलोकेशन करो रिसोर्सेज का समझ में आ रहा है दिस वॉज य स्कोप ऑफ माइक्रो इकनॉमिक्स ऑल राइट इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे ऑल राइट right? आज का आपका होमवर्क है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स मेरे साथ साथ लर्न करोगे लिखोगे लेक्चर एक बार वापिस से देख लेना ऑल राइट right? चलो यार कल फिर मिलता है शाम सात बजे आपके प्रीति मैम के साथ ऑल राइट टिल खुदा हाफिज बाय बाय एवरीवन